सुनिए ना, आपसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं, आओ बैठो ना। हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना, तो अभी हम लोग एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या आप? हाँ मैं समझता हूँ, अब एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो आप बाहर सो जाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर सो जाऊंगा। सुनो, मैं बाहर नहीं सो सकता। क्या हुआ? अगर मैं बाहर सोने गया ना, तो मेरी मौसी, चाची, नानी, काकी, दादी सब लोग मेरे से बहुत सवाल करेंगे। तो क्या मैं इसी रूम में नीचे सो जाऊं? नहीं नहीं, नीचे मैं सो जाती हूँ, आप ऊपर सो जाइए। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मेरे को तो आदत है नीचे सोने की। जब मैं अकेला रहता था तो कभी कभी नीचे भी सो जाता था। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। पार्ट टू देखने के लिए कॉमेंट करें। बहुरिया बहुरिया, उठ, 8 बज गए हैं। आप इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह के 10 बज चुके हैं मैडम। क्या 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ? हे भगवान, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि शादी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम दुल्हन का ही होता है, तो मुझे लगा तुम थक गई होगी, तो इसलिए मैंने सबको बोल दिया था कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या और तुम्हें क्या खिलाऊंगा। आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, वो थोड़ी मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना। मेरी बातों को कभी दिल से मत लगाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय बीवी जी, कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। मैंने सुना था अरेंज मैरिज में पति बहुत खड़ूस होते हैं, पर ये तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट करें। अरे यहाँ पति थका हारा काम करके आ रहा है ऑफिस से, और तुम यहाँ रूम में बैठ के आराम कर रही हो? मैं अभी पानी लेके आती हूँ। अरे मजाक कर रहा था, तुम भी ना। लाइए मैं आपका कोट रख देती हूँ। ये लो। अच्छा सुनो, पानी पूरी खाती हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम रूम में रुको, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। मुझे पता है तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद होगा, पर यकीन मानो मुझे तुमसे ज्यादा पसंद है। ये लो खाओ। अरे मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मेरा नवरात्रि का फास्ट है। अरे शिट, मैं तो भूल ही गया था, तुम नहीं खा सकती, मैं तो खा सकता हूँ ना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना तुम्हारे सामने खा रहा हूँ? नहीं नहीं, आप खाइए। लोगों को पसंद होगा ये मीठा पानी पूरी, मुझे तो तीखा ही पसंद है। पानी पूरी किस किस को पसंद है कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा ये बताओ बीवी जी, आपका फर्स्ट रसोई कैसा रहा? वो मेरी रसोई नहीं हुई आज। क्यों? सासू माँ को पहले दिन ही नाराज कर दिया? माँ जी ने कहा कि आप आ जाएंगे तब करेंगे। तो चलो फिर किचन में जाओ और माँ जी से पूछ कर आओ क्या बनाना है। माँ जी मीठे में क्या बनाऊं? तुम्हें का आवत है बनाने? मुझे सब कुछ आता है। जा फिर रवा हलवा बना ला। माँ जी ने कहा है कि हलवा बना लो। हलवा 2 मिनट का काम है। नहीं आप रूम में जाइए, मैं बना लूंगी। क्यों भाई, तुम्हारी अकेले की शादी हुई है, हम दोनों की हुई है ना, तो हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और तुम्हें पता नहीं है इस घर में सबसे टेस्टी खाना मैं बनाता हूँ। चलो जल्दी से रवा दो। अरे ये नमक है। अरे यार शक्कर दो। हलवा तैयार है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे वाह बहुरिया, हलवा तो बहुत अच्छा बा। अच्छा माँ लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। इला बेटवा। एक बात तो तय है, अब इस घर में डेली टेस्टी खाना मिलेगा। इला बहुरिया, तुहर पहली नेक, हलवा बहुत अच्छा रहा। ओए अब लाओ मेरा कमीशन। कैसा कमीशन? ये देखो जरा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, ये जो बाहर बिजनेस करके आई हो ये किसकी वजह से चला है? ये लीजिए, आप पूरा पैसा रख लीजिए, ये सब आपका है। अरे फिर से सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रहा था, ये सारे पैसे तुम्हारे ही है। हाँ लेकिन ये आपकी मेहनत से ही हुआ है। अब पति बनाऊँ तो हर कदम पे साथ तो देना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।